इंदौर मामला खुंडेल थाने का है, जहां लालबाग के रहने वाले वैभव दुबे के साथ लूट की घटना घटित हुई। वैभव ने पुलिस को घटनाक्रम से अवगत कराते हुए बताया कि घटना के पीछे मामा के लड़के की ही साजिश है। अभिषेक शर्मा, जो उनके मामा का लड़का है, प्लांट दिखाने के बहाने किसी देहादी इलाके में ले गया था, जहां सुनियोजित तरीके से दो अन्य लोगों को बुलाया गया, जिसमें से एक आरोपी अरविंद द्विवेदी ने खुद का परिचय क्राइम ब्रांच के अधिकारी का देकर वैभव को मादक पदार्थों की तस्करी के झूठे आरोप में फंसा देने व पिस्टल अड़ाकर 2 लाख रुपये की मांग की थी। आरोपियों ने वैभव से 93,000 नकदी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड व लाइसेंस भी छीन लिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने खुंडेल पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें से एक आरोपी अरविंद पुलिसकर्मी है, जिसे लूट के आरोप में पहले भी सजा हुई थी, जो कि हाल ही में जेल से जमानत पर छूटा है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सैन की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।